हम बाहर आए, बाहर आने के साथ गाइस पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। बॉय गजब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबा और मैं खेलता है प्लैनेट क्राफ्टर। भाई आप सबका दिल से स्वागत करता है इस पीली पीली दुनिया में जो कि हमने शायद नीली कर ली है, और ये है फुंतरू, मैं है बाबा, और दोनों मिलके खेलेंगे भाई आज प्लैनेट क्राफ्ट। संकल लैंड कल आ जाएगा भाई, तो कमेंट में ये मत कहना कि संकल लैंड लाओ, संकल लैंड लाओ, संकल लैंड भी आ जाएगा। सारी गेम्स एंजॉय करो धीरे धीरे करके भाई। क्या फुंतरू आज का क्या सिस्टम है? फुंतरू कह रहा है भाई बहुत काम करना, तो जल्दी से लग जाते हैं काम पे। देखो भाई सिंपल सी बात है, इसमें अपडेट आने वाला है गाड़ी का, जो कि मुझे बनानी है, जो कि मुझे यूज करनी है। मुझे बहुत सही लगी भाई वो गाड़ी सी, तो गाड़ी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रोग्रेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज आप सबको मैं बता देता हूँ अब तक हमने क्या किया है। अब तक हमने ये छोटा सा बेस बनाया, प्यारा सा बेस बनाया, और भाई एक ही चीज की है मैंने कि इस बार हम ज्यादा बड़ा बेस यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम कहीं और बनाएंगे। तीन चार जगहें हैं जो मैंने सोची हैं, जैसे कि एक वाटरफॉल हो गया, या एक एरिया यहाँ पे है जो अभी हमारा बंद है, खुला नहीं है, वो एक सैंड का वो है फाउंटेन है, वहां पे सैंड गिरती रहती है, जैसे ये गिर रही है यहाँ पे छोटी छोटी सी सैंड, वैसे वहां बहुत सारी गिरती है। तो डिसाइड करना बाकी है कि हम अपना मेन बेस कहाँ बनाएंगे, ये अभी हमारा स्टार्टर बेस है। और हमने एक चीज की शपथ खाई है भाई, जो भी बनाएंगे बहुत बढ़िया बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे, कोशिश पूरी है हमारी करने की। पिछले एपिसोड में जब हमने खत्म किया था, हमारे को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत थी भाई। इलेक्ट्रिसिटी देखो 4.60 से एक्स्ट्रा है, बहुत ही कम है। अगर हम कोई भी नेक्स्ट मशीन लगाएंगे तो हमारी ये बंद हो जाएगी भाई, ये बत्ती गुल हो जाएगी। तो अपने को कोशिश करनी है कहीं ना कहीं से आज, कहीं ना कहीं से तो नहीं, आज हम इलेक्ट्रिसिटी भाई बढ़ा देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने का अपने पास एक फुल प्रूफ प्लान है। अपन क्या करेंगे, अपन न्यूक्लियर जाएंगे भाई। न्यूक्लियर जाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें सुपर अलाव चाहिए, पानी चाहिए, और भाई अपने को रॉड चाहिए न्यूक्लियर वाली, ये वाली रॉड चाहिए अपने को, हरी वाली। हरी वाली रॉड कहाँ से बनती है? हरी वाली रॉड बनती है भाई यूरेनियम से। यूरेनियम कैसा होता है? यूरेनियम ऐसा होता है, हरा हरा करके होता है। आज जाके यूरेनियम निकाल के लाएंगे। तो एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं, और एक जल्दी से चलने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अपन ने पानी गटका यहाँ से और एक ये उठाया, इसको उठाने के साथ साथ यहाँ पे एक पानी बनाया, और पानी बना के अपन निकल गए। अपन निकले, निकलने के साथ एक चीज और कर सकते हैं हम। सही है, धीरे धीरे करके ना, म्यूजिक इसका बहुत शांत है भाई। मैंने कभी इतने ध्यान से म्यूजिक सुना नहीं था इसका, लेकिन बहुत सूदिंग म्यूजिक है। मुझे लग रहा है नया म्यूजिक ऐड किया है इन्होंने, पर जो भी किया भाई बहुत सही है। इस शिप में हमने अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं है, और बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ। इस शिप को मैं लास्ट तक छोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि भाई अभी पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर लेते हैं। अगर बत्ती ही नहीं होगी तो भाई आगे क्या करेंगे, अपन आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। और न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर अब कहाँ को मिलेगा मेरे को, ये भी एक बड़ा एक नीला डब्बा, नीले डब्बे को खोलना चाहिए क्या? नीले डब्बे को खोल लेते हैं। नीले डब्बे को खोलने के साथ ये उठा लो, ये उठा लो, एक ये उठा लो, एक ये उठा लो, दोनों ये उठा लो। चलो उठा ही लेते हैं, उठा के इसको डिलीट कर दिया हमने, पूरा का पूरा ये डब्बा उठा लिया, जो कि मैं उठाने के मूड में नहीं था, बट फिर भी मैंने उठा लिया, पता नहीं क्यों, पर उठा लिया। कोई ना कोई तो केव हो सकती, ये देखो एक मेरे को यहीं से दिख गया भाई साहब, कितना कुछ तो यहीं से दिख रहा। एक बार चेक करके आते हैं, जब आए हैं ओ आने के साथ अभी चटक जाएंगे। जल्दी से अपने को यहाँ आना है, आने के साथ हमें जल्दी से देखो यहाँ एक ये बनाना, एक ये बनाने के साथ इस पर एक ये बनाओ, नाइस। यही सारी चीज़ें मैं अपनी जेब में कैरी करके निकला था, क्योंकि भाई ये आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो हम यहाँ आए, हमने अपना ऑक्सीजन पूरा किया और उसके साथ इसको डिलीट कर दिया। सो गाइस ये देखो, ये जो है ना, ये हिसाब किताब भाई, ये तो कुछ लेट गेम सा लग रहा है, लेकिन ओ एकदम से पॉप आउट हुआ। अब ये इसमें यहाँ पे हमें एक्सप्लोसिव की ज़रूरत है, जब तक हमारे पास एक्सप्लोसिव होगा नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। पिछली बार जब मैं ये गेम खेल रहा था और मैं एंड करने के उस पर था भाई, क्योंकि ये सीरीज 2 है, हम इसमें एंडिंग 2 करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार मैं बिल्कुल ही नूब था इस गेम में, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी चीज़ क्या करेगी, बट अब मुझे धीरे धीरे करके आइडिया हो गया कि कौन सी चीज़ें क्या क्या करेंगे भाई। और जब हम बिल्कुल एंडिंग वाली स्टेज पे थे, तब ये अपडेट आया था एक्सप्लोसिव वाला, और ये इन्होंने केव वेव ऐड की थी, तो हम ज़्यादा वो नहीं कर पाए थे भाई एक्सप्लोर। इस बार हम सारे पहाड़ पूड़ सब फोड़ देंगे भाई, और उसके पीछे देख के आएंगे कि क्या क्या रहस्य छुपा के रखा हुआ है। हाँ भाई, तो अपन यहाँ आए, देखो यहाँ से अपन को पता है कि कहाँ पे न्यूक्लियर का हिसाब किताब है, मतलब यूरेनियम का हिसाब किताब है।
अपन यहाँ आए, अपन को देखो इसमें, हाँ ये वाली जो ये छोटी सी जगह है, गुफा सी जा रही है, इसमें जाना होता है और इसमें जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा न्यूक्लियर और एक न्यूक्लियर शायद वहाँ पे भी पड़ा है, उसमें बाद में जाएंगे, पहले यहाँ आए। ए, ए बेटे चटक जाएंगे, ए बेटे ये तो देखा नहीं था भाई, भाई हल्लू रुको भाई, हमने ऑक्सीजन पूरा करना है, ऑक्सीजन पूरा करने के साथ फिर हम आगे। आज बेटे मैं न्यूक्लियर निकाल के ही रहूँगा, आज मेरे को चाहिए ही चाहिए। अपन ने इसको डिलीट किया, डिलीट करने के साथ जल्दी जल्दी से बड़े इस छोटी सी जगह में, सही है ये, बहुत सही रास्ता है, इससे मुझे पता चल जाता है कि हम सही जा रहे हैं भाई। इस जगह से ऐसे ऐसे करके जो गलियाँ सी जा रही हैं भाई, इस गली में आने के बाद देखो ये जो गुफा है इसमें हमें हमारा न्यूक्लियर मिलेगा। और मैं हमेशा क्या करता हूँ, मतलब पिछले गेम प्ले में भी ये किया था और मुझे लगा ये थोड़ा सा सही रहेगा भाई करना हिसाब किताब। देखो अपन यहाँ आए, अपन ने यहाँ आके एक छोटी सी ये बनाई, इसके साथ साथ हमने ये बनाई, इसके साथ हम अंदर आए, अंदर आने के साथ एक ये बनानी है, इसका मैं सामान लेके आया हूँ एडवांस क्राफ्टिंग स्टेशन, इसका सारा सामान मैं उठा के लेके आया था कि भाई अपने को दिक्कत ना पड़े। हमने देखो एक ये बनाई, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसको लगाने के बाद हमारी बिजली जो है वो कम, बिजली जो है वो जा सकती है भाई, बिजली चली गई हमारी। अब बिजली जाने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ी सी बिजली बनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश कैसे करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। यहाँ से देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ा भाई, इसमें यूरेनियम पड़ा है, इसमें ये बहुत सही प्लांट है भाई, ये उठा लो चुपचाप, ये उठा लो, पानी पानी घटक लेते हैं, पानी घटक लिया हमने, हम ओ ये देखो भाई यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा यूरेनियम, बट इसमें थोड़ा सा टाइम है, रुक जाओ भाई, अपने को पहले बिजली का करने दो हिसाब किताब। हमने थोड़े से कोबाल्ट उठाया, कोबाल्ट के साथ आई नो गेम कह रहा है भैया लो पावर है, लो पावर को कुछ करो, अपन कर रहे हैं भाई उसी पे लगे हुए हैं भाई जुगाड़ करने के लिए। हम यहाँ आए, हमने एक तो बनाई लेंगे ना, अब एक बना दो भाई, एक के लिए हमें आयरन मांगता है, आयरन दे दो भैया आयरन। ये सिलिकॉन पड़ा, सिलिकॉन उठा लिया, सिलिकॉन के साथ यार ये चीज थोड़ी सी दिक्कत वाली है, ठीक है हमें एक आयरन मिला, हमें एक और आयरन मिला, उसके बाद एक और आयरन मिला, ये भी उठा लो भाई जल्दी जल्दी उठाओ, ये भी उठाया हमने, ए उठाओ उठाओ, ये भी उठाया। उठाने के साथ हम वापस चले, वापस चलने के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो सोलर पैनल बना के मैं यहाँ छोड़ दूंगा, और बाद में जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक हो जाएगी तो अपन उसको डिलीट कर सकते हैं। देखो भाई यहाँ आए, यहाँ आने के साथ इधर को चले, थोड़ा सा चुपके से बनाएंगे वरना ऐसा अच्छा सा नहीं लगेगा, यहाँ बना देंगे भाई, यहाँ हमने एक ये बना, ठीक है एक के साथ साथ हमारी पावर वापस आ गई, तो हम एक से एक काम चल रहा है अपना। एक और बना दूँ क्या, एक और बनाने के लिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम चाहिए भाई, अपने पास है नहीं अभी, ठीक है एक से काम चल रहा है तो अपना काम चला लेते हैं, जल्दी जल्दी ये उठाते हैं जितने भी उठा सकते हैं अपन। हेल्लू यूरेनियम, गजब भाई गजब, बहुत रेयर एलिमेंट है स्टार्टिंग में ये, तो इस जब ये केव में ख़त्म हो जाएगा ना भाई फिर हमें कहीं और दूसरी केव में जाना पड़ेगा या हमें रॉकेट से मंगाना पड़ेगा, ये बाद में जाके यूरेनियम की ड्रिल्स खुलेंगी, लेकिन वो बहुत बाद में जाके खुलेगी। अपनी इन्वेंट्री हो गई है फुल, इन्वेंट्री फुल के साथ अपन वापस चलते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाली ड्रिल्स होंगी वो यूरेनियम नहीं निकाल पाएंगे भाई, लेवल थ्री की या लेवल टू की, शायद लेवल थ्री की निकाल पाती हैं। हम यहाँ आए, हमने जितना उठा के लेके आए थे भाई ये यूरेनियम, उसको हमने यहीं के यहीं कन्वर्ट कर लिया एक रॉड पे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा यहाँ से मटेरियल उठा सके और अपने बेस लेके जा सके। हमने एक यूरेनियम की यहाँ रॉड कर दी, यूरेनियम की रॉड करने के साथ और यूरेनियम उठाते हैं भाई, और यूरेनियम उठाओ, उठा ले भाई उठा ले, सारा उठा ले, जितना भी है सब उठा लूंगा, अपन आया हूं तो लूट के तो सभी जाऊंगा भाई। ये उठाने के साथ नाइस, ओ बहुत बढ़िया, अपना पानी वाला वो खुल गया है, एंटीना सा खुल गया है, वो हमारा पानी बना के देगा हमें। वैसे तो पानी की दिक्कत हमारी सॉल्व है, हमें आइस उठा के हम आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं पानी में, बट ये लगाने के बाद हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पानी मिलेगा भाई। अपन यहाँ आए, आने के साथ अब देखो मुझे ये भी बनाने हैं, ठीक है ये बनाने के लिए ओ दो लग रहे हैं, ठीक है हाँ इस मेरे को जेट पैक बनाना है अपने लिए, और जेट पैक बनाने के लिए दो रॉकेट के इंजन लग रहे हैं, और रॉकेट इंजन बनाने के लिए भाई यूरेनियम लग रहा है और एक ये वाला रॉड लग रहा है, इरेडियम का रॉड लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक ये बना लेते हैं यूरेनियम का रॉड, उसके बाद ओ दिक्कत सी कर दी मैंने मैंने दिक्कत सी कर दी। एक बार इसमें देखें इसमें क्या पड़ा, इसमें इरेडियम पड़ा है, इरेडियम उठा लो यहाँ से, मुझे बनाना नहीं चाहिए था लेकिन बन गया तो बन गया, ठीक है कोई नहीं भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन ने यहाँ से उठाया,
ये उठाया और ये उठाया, हमें चार ये चाहिए। मुझे लग रहा है शायद बेस पे भी हमारे पास दो पड़े, तीन तो ऐसे ही होगा, एक तो मुझे लग रहा है इधर उधर से कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। ओ लिमिट मिल गया हमें, बहुत बढ़िया। हमने ये उठाया ये उठाया, बाकी का सामान हमने यहीं छोड़ दिया क्योंकि हम उठा नहीं सकते भाई अभी। सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। ये ऊपर भी है क्या, ये ऊपर छुपा के रख रखा होगा तुमने। नहीं, यहाँ का हो गया, यहाँ का हिसाब किताब हो गया। अब हम चल रहे हैं वापस से अपनी स्टार्टिंग बेस, और भाई वहाँ जाके बनाएंगे अपने लिए न्यूक्लियर के छोटे छोटे से पावर प्लांट जो हमें बिजली देंगे, है ना भाई, ये वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के साथ अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि भाई देखो, अब हम यहाँ पे एक अलमारी लगा देते हैं। अलमारी लगा सकते हैं, अलमारी नहीं लगा सकते, अपने पास इतनी वो नहीं है, मटेरियल्स नहीं है। तो हम एक काम करेंगे भाई, अपन ने ये यहाँ लगाया, इसको लगाने के बाद एक सेकंड रुको, इस चेस्ट में जगह है, हमने इस चेस्ट में सारा सामान ऐसे करके डाल दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ आए, हमने आने के साथ इसको डिलीट किया, इसको डिलीट करने के बाद जो जो इसका सामान है ना भाई, तीन एल्यूमिनियम, ठीक है, एक टाइटेनियम, एक मैग्नीशियम और एक सिलिकॉन हमने यहाँ छोड़ दिया, ताकि बाई चांस जब हम यहाँ आके नेक्स्ट बार यहाँ पर आएंगे यूरेनियम फार्म करने के लिए, तो हम यहाँ पर अपना एडवांस वाला वो लगा लेंगे, स्टेशन लगा लेंगे। अब जो करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, इसमें से जो सामान अभी हमने यहाँ रखा है वो सामान हम वापस निकाल लेंगे, और निकालने के साथ ये दो चीज़ें, चलो यहीं पड़े रहने दो, वैसे भी हमें आना है, ठीक है, ये चीज़ें लगी रहने दो यहाँ, हमें बहुत जल्दी वापस से आना है। यहाँ जब हमारी ड्रिल्स खुल जाएंगी तो हम यहाँ पर आके फार्म करना शुरू कर देंगे यूरेनियम। गजब गेम है यार, ये गजब गेम है, बहुत सही। इसका लूप यही है, आप एक सामान उठाओ, एक सामान से दूसरा सामान बनाओ, फिर तीसरा सामान उठाओ, फिर तीसरे से चौथा सामान बनाओ, भाई इसी लूप में पूरी की पूरी गेम निकल जाती है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप की हुई है इन्होंने, मतलब ऐसा कभी भी नहीं लगता मेरे को कि अब मेरे पास फ्री टाइम है और अब बैठ जाता हूँ कि अब कुछ नहीं करता, पर हर वक्त मेरे को ऐसा लगता है कि ये बना लो वो बना लो, उससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ एक और शिप पड़ी है भाई, इस शिप में भी आएंगे। ये डब्बा पड़ा है क्या, ये कोई ऐसे कर चमक क्यों रहा है, कुछ तो हो रहा था इसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा था, कोई नहीं। ओ डब्बा पड़ा है डब्बे में, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। हाँ, हमारे पास अभी जगह नहीं है भाई इस डब्बे के लिए, हम आएंगे। इस जगह पे जनरली हमें एल्यूमिनियम मिलता है, ये देखो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की अभी हमारे पास जगह नहीं है, बहुत जल्दी आके हम इसको फार्म करेंगे। और यहाँ पे हमने भाई अपने लिए ये लगा के छोड़ रखा है कि हमारी अगर सांस वास कम हो जाए तो अपन यहाँ आके कर सकते हैं। ये एल्यूमिनियम की स्टार्टिंग की वो है जगह जहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहाँ इसलिए ये लगा रखा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आके एल्यूमिनियम फार्म करूँगा तो भाई ये यूज़ करूँगा इस डब्बे को। आने के साथ देखो, अपन एक और दरवाज़ा अगर यहाँ बनाने की कोशिश की, हमें एक टाइटेनियम चाहिए, टाइटेनियम के लिए हमारे पास जगह नहीं होगी उठाने के लिए, कोई नहीं अंदर चलो। अंदर चलने के बाद अपन यहाँ आए, आने के साथ देखो अगर ये वाली, हाँ कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चीज़ें करते हैं जो हमें करनी है। हम यहाँ आए, आने के साथ देखो अपने को रॉकेट इंजन बनाना है। रॉकेट इंजन बनाने के लिए मुझसे इरिडियम की रॉड मांग रहा है, जो कि मेरे पास है। हमने क्या किया, हमने ये दो रॉड उठाई और हमें भाई अब थोड़ा सा ये होगा कि अपने को ये भी मांगना है, ठीक है। हमने यहाँ से सामान उठाया, सामान उठाने के साथ हम यहाँ आए और उसी के साथ हमने अपने लिए एक बनाया रॉकेट इंजन, एक रॉकेट इंजन के बाद हमने बनाया भाई दूसरा रॉकेट इंजन। और दूसरा रॉकेट इंजन बनाने के बाद हमने एक टाइटेनियम और मांगा था, बेटे टाइटेनियम आजा जल्दी आजा। अपने टाइटेनियम उठाया, टाइटेनियम उठाने के साथ साथ हमने अपना बना लिया भाई जेट पैक बनाने के साथ इसको इक्विप कर लिया, इक्विप नहीं किया हमने, अब जाके इसको इक्विप कर लिया भाई। ये हमारा 150 से प्रोपोल क्या है ये प्रोपल्शन जैसे भी बोलते हैं इसको बढ़ा लिया भाई। और इससे क्या होता है, इससे अब हम आई से करके उड़ सकते हैं भाई। ज़्यादा इसमें रेंज नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा करके हम हवर कर सकते हैं, हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है। अगर मैं देखो यहाँ से वहाँ भाग के जाऊँ और उड़ के जाऊँ, उड़ने में थोड़ी सी स्पीड तेज़ है भाई, अब हम मदद करेंगे, अब हम थोड़ा सा जल्दी वो कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जेट पैक में भी भाई बहुत बहुत अलग अलग तरीके के लेवल हैं, ये तो लेवल 1 वाला, जैसे ही लेवल 4 वाला खुलेगा या लेवल 3, पता नहीं शायद लेवल 3 हाईएस्ट है या लेवल 4 हाईएस्ट, भाई बहुत तेज़ होता है, बहुत ही तेज़ होता है। तो हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वो वाला दिमाग लगाने आए जो हम सोच रहे थे। हमें क्या करना, एक ऐसे करके दरवाज़ा और यहाँ लगाने की मैं सोच रहा था, ऐसे करके यहाँ, ऐसे करके यहाँ, वैसे सही है,
पिछली बार हमारे यहाँ फूड के वो रखे हुए थे कंटेनर्स, जिसमें फूड ग्रो हो रहा था, जो कि मैं ऊपर पहुंचा चुका हूँ, जो कि मैं यहाँ पहुंचा चुका हूँ भाई। यहाँ पे अपना बन चुका है भाई, खाना खाना उठाया यहाँ से, और खाना उठाने के साथ साथ अपन नीचे आए। एक काम करो, इसको भी डिलीट कर दो। इसको डिलीट करने के साथ अपन एक काम करते हैं, हम जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स भाई, स्टेयर्स स्टेयर्स, ये वाली, अच्छा ये आउटडोर स्टेयर है, ये अंदर नहीं लगा सकते। नॉर्मल वाली स्टेयर कहाँ गए भाई, लेवल टू, ये हमने ये वाली स्टेयर उठा के लेके आए और स्टेयर को बीचों बीच यहाँ ऐसे करके लगा दिया। अब इससे ये क्या हो रहा, हाइड्रेशन की कमी बताता। अगर हम ऐसे करके ऊपर जाएंगे, नहीं है, मैं पहले वाली जगह ज़्यादा सही थी, पहले वाली जगह ज़्यादा सही थी, और प्लस हमें इतनी कोई दिक्कत हो नहीं रही थी। हम यहाँ आए, हमने वापस से आके यहाँ ऐसे करके लगा दी, ठीक है। अगर हमें निकलना होगा, हम चुपचाप साइड से ऐसे करके निकल जाएंगे, वापस आना होगा तो साइड से ऐसे करके आ जाएंगे। सही है, ये ज़्यादा सही है। उसी के साथ हमारा पानी कम हो रहा, हमने पानी पिया, और पानी के साथ हमारा खाना कम हो रहा भाई। अपन ने अपने कद्दू उगाए थे, वही खा लिया भाई, उसी के साथ हमने फुल कर लिया। एक लाए हुए हैं हम ब्लू प्रिंट, जो माइक्रोचिप है, इसको डिकोड करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी कौन सी नई रेसिपी खुली है। डिकोड करने के साथ बिग लिविंग कंपार्टमेंट खोल लिया, जो कि बहुत सही है, हमें आगे जाके बहुत यूज आने वाला है। और एक्सट्रैक्टर खोल गया तुम्हारे भाई का, और एक्सट्रैक्टर से बहुत चीजें आसान होने वाली है। लेकिन 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 अब इतनी सारी चीजें खुली है, इतनी सारी चीजें बनाएंगे तो भाई कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी पावर में, इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि हमारी पहले से ही कम है, 24 से बढ़ी हुई है, क्योंकि हम वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वो सोलर पैनल वाला लगा के आए थे भाई, और 24 बहुत कम है भाई, दिखने की सिर्फ 24 है। जब हम कोई भी मशीन लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। हम एक बनाने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से पहले मैं एक ये बना दूँ क्या, बट ये भी तो पावर लेगा। हम देखते हैं हमारे पास कितने वो पड़े हैं, सुपर अलॉय कितने पड़े हैं भाई, सुपर अलॉय, एक ही सुपर अलॉय लेके घूम रहा हूँ मैं, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, सुपर अलॉय हमारे पास एक पड़ा है, हमारे पास 300 वाले प्लांट आ गए। तो एक काम करते हैं भाई, पहले तो सबसे पहले बाहर आते हैं, बाहर आने के साथ इस 600 वाला प्लांट, इसको नहीं हटाएंगे भाई, इसको बिल्कुल नहीं हटाएंगे। एक काम करते हैं, एक और लगा देते हैं ना ये, बट इसके लिए वाटर, बारिश हो रही है भाई, ये तो देखा ही नहीं था, पहली बारिश है गाइस, पहली बारिश, इंजॉय करो भाई। अपन नाचेगा अब, ये तो हाय बाय कर रहा है, नाच ले भाई, पुंतरू उड़ते उड़ते नाचेगा पुंतरू, बारिश में नाचेगा भाई। बारिश का मतलब अब धीरे धीरे करके यहाँ पानी इकट्ठा होना शुरू होगा, और जब पानी इकट्ठा होगा तो भाई अपने को बहुत आसानी होगी इस प्लैनेट को हरा भरा करने में। बहुत सही भाई। एक बार यहाँ आके देखते हैं, हाँ ये देखो, नेक्स्ट लेवल जो है लिक्विड वाटर की है, मतलब रेन के बाद अपना लिक्विड वाटर हो जाएगा, धीरे धीरे करके पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तालाब वालाब बनेंगे भाई, फिर उसमें मछली वछली आएगी भाई। बहुत सही, अपना मछली वछली से क्या होगा, अपना टेरा फॉर्मेशन ऊपर बढ़ेगा। ये देखो भाई क्या स्पीड से जा रहा, हमें यहाँ तक पहुँचा दो भाई जितनी जल्दी हो सके। बहुत स्पीड से जा रहा है, वैसे जब मैंने पहली बार गेम खेली थी इतनी स्पीड से कुछ नहीं गया था भाई, लेकिन हर एक चीज़ मेरी स्पीड से जा रही है। करेंगे और ज़्यादा स्पीड करेंगे, बट उसके लिए अपने को चीज़ें मांगता। हाँ, सबसे पहले हम ये बनाने वाले थे, इसके लिए हमें वाटर, सिलिकॉन, एक काम करो, सबसे पहले वाटर बनाया, एक चीज़ बना ली हमने, नेक्स्ट हमें सिलिकॉन, दो सिलिकॉन मांगता, सिलिकॉन हमने यहाँ से उठा लिए, दो सिलिकॉन मांगता है ना, कितने मांगता है, हाँ दो सिलिकॉन, एक मैग्नीशियम और एक एल्यूमिनियम, हमने एल्यूमिनियम उठाया, और उसी के साथ अपन यहाँ आए, आने के साथ पेटे लगा दो, एक यहाँ लगा दो, और इसी के ऐसे लगाना कि ऐसे दोनों भाई भाई से लगे, ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए था भाई, स्नैपिंग वाला ऑप्शन, अब बेस्ट है भाई, अब नहीं छेड़ रहा मैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम, हाँ यहाँ पे हमने ये सीड वाला लगा दिया, ये हमें 300 का मल्टीप्लायर देगा, ठीक है। अपन यहाँ आए, आने के साथ एक बार ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद एक बार इनकी मेरे को ये देखना, हाँ भाई ये 200 वाला प्लांट है, 200 वाला प्लांट निकाल के हमने सीधा सीधा 300 वाला प्लांट लगा दिया। ये 150 वाला प्लांट निकालो भाई, 150 वाले को निकाल के हमने 200 वाला लगाया, और कहीं 150 वाला तो नहीं लगा रखा हमने, सही है। हमें ये कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा
बढ़िया वाला प्लांट लगा सके उतना वाला बढ़िया वाला प्लांट लगाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा ऑक्सीजन बढ़ेगा भाई। ऑक्सीजन आई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, नाइस ऑक्सीजन बढ़ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से यही सारी चीज़ें करनी है कि भाई तुम तो चले जाओ इधर, ठीक है, और साथ साथ प्लांट्स को हमने डाल दिया इस वाली अलमारी में, ठीक है, प्लांट्स प्लांट्स इस वाली अलमारी में, सीड्स भी इस वाली अलमारी में, साथ साथ सुपर अलॉय इधर चले जाओ, एक 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 आइस आइस बेबी है, नो आइस आइस बेबी कहीं तो होगा, आइस आइस बेबी आइस, आसपास का आइस उठा लिया हमने, आसपास का आइस उठा लिया भाई, धीरे धीरे आइस पिघलना भी शुरू हो रहा है। देखो अब हमें वाटर का करना पड़ेगा जुगाड़, वरना फिर हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा वाटर उठाने के लिए। हमारे पास दो आइस दिख रहे हैं, जल्दी से ये उठाते हैं, आइस उठाया यहाँ का, ये वाला आइस उठाया और वापस चलो। अब तो हम उड़ के भी जा सकते हैं भाई, गजब। अपन वापस आए, वापस आने के साथ जल्दी से आके यहाँ पानी कन्वर्ट किया, दोनों आइस को हमने कन्वर्ट कर लिया पानी में, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज जो हम बनाने वाले हैं, हमें बनाना है ये, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सुपर अलॉय। हमारे पास यूरेनियम रॉड तो हो गए, हमारे पास सुपर अलॉय नहीं है। एक काम करो, एक पानी यहाँ रख दो, दोनों पानी यहाँ रख दो, दोनों पानी यहाँ रखने के साथ साथ वैसे हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, एक पानी अपने पास रखो, वैसे एक पानी इमरजेंसी पर्पस के लिए हमने यहाँ रख लिया। और उसी के साथ हम आगे बढ़ गए इस तरफ, हमें चाहिए भाई सुपर अलॉय। इधर अपना पास सुपर अलॉय है, हमने छोड़ रखे थे, हमें पता था कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी सुपर अलॉय की तो अपन इधर आ जाएंगे भाई। एक के वहाँ पे भी है, लेफ्ट साइड में भी है सुपर अलॉय की, उसमें बाद में जाएंगे। और प्लस हम अपने खुद के भी सुपर अलॉय बना सकते हैं अब एडवांस क्राफ्टिंग स्टेशन में, बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लगता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है भाई। पिछले सेशन में जब मैंने खेला था ये गेम, मेरे को आइडिया नहीं था, तो हम खुद ही बनाए जा रहे थे भाई अपने, और बहुत मटेरियल हमने, बहुत ज़्यादा मटेरियल हमने यूज़ किया उसको बनाने के चक्कर में। हम यहाँ आए, मेरा वो खत्म हो बच गया, हम मेरा वो खत्म हो गया था भाई। जेट पैक में भी कुछ एक लिमिटेड अमाउंट का वो है, ऐसा नहीं कि बस उड़ता ही रहूँगा। देखो अब हमें यहाँ ढूंढना है, हम पिछली बार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेके गए थे, बट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो छोड़ के ये गिर गया। ये तो बहुत गलत बात कर दी तुमने, ऐसे कैसे गिरा दिया भाई, ऐसे मत गिरा करो, एक बार ऊपर चढ़ सकते हैं क्या यहाँ से, वैसे तो मुश्किल है यहाँ से चढ़ना। यहाँ से मत चढ़ो, वैसे भी रात क्यों कर दी, रात नहीं करनी थी भाई, ठीक है। हम यहाँ आए, आने के साथ एक और टप्पा खाया, टप्पा खाने के साथ अपन इस तरफ चले, इस तरफ चलने के बाद हमें लेफ्ट साइड जाना ही, हाँ सही है। हम यहाँ आए, अब देखते हैं, नहीं नहीं इस तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ मिल जाएंगे यार, इस तरफ का तो मैंने लूटा ही नहीं था कुछ भी, इस तरफ तो होना चाहिए इस तरफ। और रात क्यों हो गई, देखो भाई ये रहा एक सुपर वाला, एक के बाद भी गिर जाते नीचे यहीं, बहुत ज़्यादा रात हो गई भाई, प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम जहाँ हो वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपन यहाँ आए, आने के साथ हमने यहाँ से अपना ऑक्सीजन जो है वो फिल किया, ऑक्सीजन फिल करने के साथ अपन यहाँ से निकल गए। ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैंने बना के छोड़ रखी हैं हर जगह पे, कभी कभार एकदम से इमरजेंसी पड़ जाए तो ये भाई आसपास होनी चाहिए आपको अपना ऑक्सीजन फुल करने के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जेब में ये ऑक्सीजन का टैंक नहीं होता, कैप्सूल नहीं होता एक्स्ट्रा वाला, और आप चटक सकते हो भाई। मैं चटका हुआ हूँ बहुत बार, तो इसलिए मैंने अब ये सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने शुरू कर दिए, ठीक है जी। अपन यहाँ वापस आए, आने के साथ अब हमें क्या करना था, हमें एक ये बनाना है, न्यूक्लियर वाला ये बनाना है। इसको बनाने के लिए अब हमें एक ये चाहिए, एक पानी चाहिए, और पानी के साथ है ना, हो गया ना भाई, लेट्स गो, हम एक ये बना पाएंगे। और उसी के साथ ये मुझे लग रहा है शायद बाहर बनाते हैं। हम बाहर आए, बाहर आने के साथ गाइस पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉय गजब, अपन ने ये बनाया। और ये बनाने के साथ हमारी 86 से हमारा ये पावर बढ़ा रहा भाई, 86 से सीधा सीधा। एक बार चल के देखते हैं कि कितनी पावर बढ़ी हमारी, पावर 103 बढ़ गई है भाई, अपने पास 103 की पावर है। अब हम बढ़िया बढ़िया तरीके से चीज़ें बना सकते हैं और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट चीज़ जो हमें बनानी है वो बनानी है एटमॉस्फेरिक वाटर कलेक्टर, ताकि हमारा भाई पानी जो है वो आरामी के साथ साथ कलेक्ट होता रहे। इसके लिए भी एक सुपर अलॉय मांगता है, सुपर अलॉय हमारे पास यहाँ पहले से ही पड़ा है, इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के साथ एक मैग्नीशियम यहाँ से उठाओ, मैग्नीशियम लास्ट मैग्नीशियम है, एक एल्यूमिनियम यहाँ से उठाओ, एल्यूमिनियम भी लास्ट है अपना, साथ साथ हमारा पानी कम होता जा रहा है। पानी कम कैसा हो गया, ओ देखा पानी की दिक्कत होनी शुरू हो गई, मुंह खोल लिया हमारा लेकिन मेरा पानी भर नहीं रहा भाई, पानी की दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं। हमें सही टाइम पर हम बना रहे हैं भाई वाटर कलेक्टर, जल्दी से पहले लेकिन अपने लिए एक बॉटल तो बनानी पड़ेगी। ये तीन आइस पड़े हैं, जल्दी से इनको उठाते हैं,
इसको उठाओ और इसको उठा लो भाई, जल्दी जल्दी उठाओ। इसको उठा लिया, तीन पानी की बॉटल बन गई हमारी समझ, ओए लेकिन और पड़ी है, आए हैं तो सब उठा लेते जल्दी जल्दी से। इसको उठा लिया, इसको उठाने के साथ इसको उठा लिया कि बहुत ही जल्दी आइस मेल्ट हो जाएगी, और आइस मेल्ट होने के बाद फिर हमें पानी का ना, अगर हमने चीज़ें नहीं बनाई जो सही चीज़ें हैं पानी कलेक्ट करने की या पानी पीने की, एक फ़िल्टर सिस्टम है, अगर वो सारी चीज़ें हम लेट हो गए बनाने में तो दिक्कत आ सकती है। हमने फ़िलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा आइस उठा लिए, और आइस उठाने के साथ साथ अपन वापस चलते हैं। इधर आए, इधर आने के लिए एक डेडिकेटेड अलमारी बना रखी है भाई आइस और वाटर की, मतलब खाने और आइस की। तो जल्दी से हम पानी बनाते हैं, पानी बनाने के साथ पीते हैं, अब पीने के साथ अब देखते हैं कि भाई क्या करना है। भूख भी लग रही है, भूख के साथ हमने ये खा लिया, बहुत सही। अब जी अब हमें बनाना है ये। इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कोबाल्ट मांगता है, कोबाल्ट है हमारे पास, हमने ये भी उठाया और यहाँ आए, और आने के साथ देखो भाई अपन आलसी आदमी है थोड़ा सा, तो अपन क्या करेगा, यहीं लगा देगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और यहाँ लगाने के साथ हमारी क्या बैटरी वो चली गई, क्या पावर चली गई एकदम से, ऐसी से आवाज़ से आई, हाँ 103 से भाई 92 हो गया। सही टाइम पे हमने पावर को पहले अपग्रेड किया और उसके बाद फिर हमने ये बनाया, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे सा हो रहा है। इसको एक बार फिर से बनाएंगे, इसको थोड़ी सी अच्छी सी जगह बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ बनाया, यहाँ बनाने के साथ अब ये क्या करेगा, हमारा यहाँ पे अपने आप पानी इकट्ठा करता रहेगा। जब हम यहाँ आएंगे इसमें चार पानी की बॉटल हमें मिलेगी, जब धीरे धीरे करके इकट्ठा करेगा भाई, पानी उठाएंगे और यहाँ पर आके रख लेंगे, फिर बाहर जाएंगे पानी उठाएंगे और फिर यहाँ आके रख लेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी पानी की तो हम यूज़ कर लिया करेंगे। एक काम और कर सकता हूँ मैं, एक काम और ये कर सकते हैं कि हम एक छोटी सी एक आयरन दो भाई, एक आयरन दे दो मेरे को, एक आयरन दे दिया हमें, और आयरन के साथ हमने क्या किया, एक जो डब्बा है एक डब्बे को ऐसे करके, है ना भाई, ऐसे करके ए थोड़ा सा और रोटेट करो, हाँ रोटेट करने के साथ हमने इस डब्बे को एक यहाँ लगाया, ठीक है यहाँ लगा दिया, और एक डब्बा यहाँ पर भी लगा देते हैं। एक और डब्बा कर दिया हमने, डब्बे के साथ हमने एक यहाँ ऐसे करके लगाया, ठीक है भाई। एक में रखो इस वाले में रख लो वाटर, ठीक है वाटर प्लस फूड कर लेंगे, और इस वाले में कर लेंगे हम, वैसे ये थोड़े से वैसे हैं क्या कहते हैं गलत इसको O2, ठीक है भाई। इसमें हम रखेंगे ऑक्सीजन के फिल्टर्स, और इसमें रखेंगे हम वाटर बॉटल्स, ठीक है वाटर बॉटल और खाना एकदम से हमें ज़रूरत पड़े अपने पास यहाँ होना चाहिए। साथ साथ अब एक काम करते हैं, जल्दी से जब ये बनाए हैं चीज़ें तो ये भी करके रख लेते हैं, ठीक है एक और दे दो, एक नहीं सही है, बहुत बढ़िया। हम यहाँ आए, आने के साथ हमने जितने भी कोबाल्ट उठाए कोबाल्ट को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन के टैंक बना लेंगे। बहुत कम यूज़ करता हूँ लेकिन करता हूँ, कभी कभार इमरजेंसी में होना चाहिए। अब हमने ऑक्सीजन के टैंक यहाँ बना के रख लिए, साथ साथ हम एक काम करेंगे भाई, पानी उठाया और पानी उठाने के साथ ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं हम। हमने यहाँ पानी बनाया, दह पानी, ठीक है इतना सारा पानी बनाया, एक पानी घटक लो और बाकी का पानी हमने यहाँ रख दिया, ठीक है जी। पानी खाना भी रख लो, चलो खाना भी इसमें रख देते हैं, ठीक है हमने यहाँ कर लिया भाई खाना पीने का हिसाब किताब बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसमें भी देखो, अगर हम यहाँ आए यहाँ पे धीरे धीरे, ये थोड़ा स्लो हो रहा है लेकिन आएगा ज़रूर। इसमें पानी हो गया, न्यूक्लियर ये हो गया, न्यूक्लियर ये के साथ अपने पास एक ये है रॉकेट वाला, जो बहुत जल्दी मैं बनाने वाला हूँ। रॉकेट बनाने के बाद जो मैं बना सकता हूँ, ओ सी एम की थोड़ी सी दिक्कत है। एक काम करते हैं, अभी का अभी देख लेते हैं कि हम ये बना पाएंगे, स्टेप पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ओ सी एम मांगता है, ओ सी एम क्या होता है, ओ सी एम हमें या तो आसमान से मिलेगा भाई, जब मीटरॉइड शावर होनी शुरू होगी एक्स्ट्रा बढ़िया वाली, मतलब अभी तो नॉर्मल वाली हो रही है, बिल्कुल बेकार से मटेरियल गिर रहे हैं उसमें, जब बहुत बढ़िया होने लग जाएगी तो फिर बाद में सुपर अलॉय भी गिरना शुरू हो जाएगा, ओ सी एम भी गिरना शुरू हो जाएगा, रेयर मटेरियल गिरने शुरू हो जाएंगे। आयरन तुमसे दिक्कत नहीं है भाई, तुम बहुत अच्छे हो भाई, दिखते रहा करो मेरे को ऐसे ही। हमने यहाँ से आयरन उठाया और आगे बढ़े। हाँ तो मैं बता रहा था, जब हाँ एक्स्ट्रा रेयर वाले शुरू हो जाएंगे ना भाई गिरने, तो उसमें ओसीएम भी गिरेगा, और ओसीएम की फार्मिंग जो हम करेंगे, स्टार्टिंग वाली ओसीएम की जो फार्मिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। इधर एक केव भाई, ये केव अपन ने ढूंढी थी, एक केव कांगड़े भाई, ये केव हल्लू केव, ओ खुल गया ओसीएम दिख रहा है। अपन यहाँ आए, इतना सारा सामान यहाँ पे भी तो रखा था, ओ ये सामान मैं वापस अपने बेस लेके नहीं गया,
ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, अभी नहीं बाद में ले जाऊंगा, आराम से ले जाऊंगा, लेकिन लेके जाऊंगा। भाई यहाँ आए, आने के साथ हमने यहाँ से ओसियम उठाए, ओसियम उठाने के साथ देखो भाई ये है सीक्रेट एक एरिया जो हमारा खुला है, समझ लो सीक्रेट नहीं रेयर एरिया जो खुला है, इसमें हमारे को सल्फर मिलेगा, ओसियम मिलेगा भाई, गजब पे गजब। ये देखो भाई सल्फर, ओ सल्फर, बस इतना सही खुला है, ओ सल्फर उठा लो, हाँ इतना सही खुला है। इसके बाद इसने लॉक कर दिया, ये स्टार्टिंग में हमारा वो है, मतलब गेम भी कह रहा बेटे इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, धीरे धीरे करके खुलेगा, पहले मेहनत करो। जब हम मेहनत करेंगे 5 UK पे वो ले जाएंगे अपना जो टेम्परेचर चल रहा है या शायद टेरोफॉर्मेशन चल रहा है जो भी है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट पे जब हम लेके जाएंगे तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, हमें 4 मिल गया, हम 2 ड्रिल्स लगा सकते हैं। तो ठीक है गाइज, हम एक काम करते हैं, जल्दी से इरिडियम लेके आते हैं क्योंकि हमें इरिडियम से आगे काम पड़ रहा है। एक काम करो, जितना हमारे पास सामान पड़ा है ना ये सुपर टाइप वाला, इसको यहाँ डालते हैं। ठीक है, इरिडियम के भाई ये बहुत सही गुफा हमारे मुंह पे ही दे रखी है, उन्होंने कहा कि भैया अगर चाहिए हो तो यहीं से निकाल लिया करो, जल्दी से आके इसमें देखते हैं। वैसे तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके इरिडियम उनमें भी पड़ा है डब्बों में, वहाँ जो अभी देख के आए, अगर नहीं मिलता यहाँ से तो अपन को वहीं जाना पड़ेगा और चुक चुक के लाना पड़ेगा भाई। यहाँ आए, यहाँ आने के साथ जल्दी से एक बार अपना ऑक्सीजन रिफिल किया, ऑक्सीजन रिफिल करने के बाद देखो भाई ये बहुत सही, हम सीढ़ी लगा के गए थे, अपन सीढ़ी से ऊपर चढ़े, एल्यूमिनियम उठा लेते हैं, एल्यूमिनियम आगे जाके ज़रूरत पड़ने वाली है। एल्यूमिनियम उठाया, एल्यूमिनियम के साथ अरे बेटे ओ भाई रेडियम यहाँ से चक गया भाई सारा का सारा, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा पड़ा है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पड़ा है, बट हो जाएगा अपना काम हो जाएगा। अपन यहाँ आए, आने के साथ इरिडियम यहाँ से उठाया, एक इरिडियम यहाँ से उठा, नहीं भाई है ए, अच्छा खासा है भाई, अच्छा खासा इरिडियम है, अपन ने यहाँ से ये उठाया, आयरन भी उठाया, इरिडियम भी उठाया, हो जाएगा, अरे बहुत सही भाई, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जल्दी से ये उठाओ, यहाँ आए इसको उठाया, इसके साथ ये क्या आइस, आइस अभी नहीं उठा रहे, आइस थोड़ा सा रुक के उठाएंगे, इसको उठाया, थोड़ा सा एल्यूमिनियम उठाया, एल्यूमिनियम मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है भाई, अपने को एल्यूमिनियम की जगह जाना नहीं पड़ेगा। इरिडियम उठा लो, इरिडियम के साथ बहुत इरिडियम है भाई यहाँ तो, एल्यूमिनियम उठाओ, अब सारा का सारा ये भी खुल गया अपना, ये इलाका भी खुल चुका है, नाइस। इस इलाके में हमें सल्फर मिलेगा और इस इलाके में हम अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रुक के जाएंगे, पहले हम ये कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं भाई, वरना एक काम से दूसरे काम में वो मैं ऐसे ही हूँ भाई, इधर से उधर निकल जाता हूँ और काम हो नहीं पाता। फिर इरिडियम, इरिडियम बेटे सारा इरिडियम उठा लूँगा, कितना थोड़ी सी है और जगह है और कर सकते हैं, उधर पड़ा है इरिडियम, इधर भी पड़ा है इरिडियम, जल्दी से ये वाला भी उठाओ, इसको उठाया, इसको उठाने के साथ इधर आए, ये कैसे छूट गया था भाई, ओ ये दो चीजें, ये तीन चीजें उठाई, इसको यहीं के यहीं गटक लिया, बाकी का छोड़ दो, बाकी एक काम करो, एक खाना भी खा लो, एक खाना भी खा लिया और इसी के साथ इरिडियम उठाया, इरिडियम उठाने के साथ इधर आए, इधर ये उठा लेते हैं, ये उठाने के साथ यार गाइस मैं उठाऊंगा भाई, ऐसा मत सोचो कि मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ। देखो अब हमारे पास इन्वेंट्री फुल हो गई तो हमें बहुत दिमाग से चीज़ें उठानी पड़ती हैं कि क्या उठा रहा हूँ क्या नहीं उठा रहा। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आयरन ड्रॉप करके ये वाला इरिडियम उठाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बाद में आयरन उठा लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कहीं से। तो चलो भाई बैक टू द बेस, बैक टू द बेस, उससे पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन पूरा कर लो, यहाँ से ऑक्सीजन पूरा किया, ऑक्सीजन पूरा करने के साथ अपन यहाँ से निकल गए, हम आगे चल रहे हैं अपनी बेस की तरफ और ये जो इरिडियम उठा के लाए हैं इसको कन्वर्ट करेंगे इरिडियम रॉड्स में। चल भाई चलो, सो गाइस यहां आ गए हम वापस, सो गाइस वापस आ गए हैं हम यहाँ पे और एक बार जल्दी से इसमें देख लेते हैं। देखो भाई पानी बनना शुरू हो गया और पानी को यहीं के यहीं रखते हैं अभी क्योंकि हमारे पास जेब में जगह नहीं है। हम यहाँ आए, आने के साथ हमने भाई इरिडियम को जितना लेके आया था उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, 2 रॉड्स बन चुकी हैं हमारी, बाकी को हमने बाकी है ही नहीं हमारे पास सही है कोई नहीं, हमने एक ये चिप भी उठा के लाए, चिप को डिकोड करते हैं, चिप को डिकोड करने के साथ हमारे पास एरिया लैम्प खुल गया जो कि ठीक ठीक है, अपन इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं है उसको। हाँ भाई टैंक 4 का ऑक्सीजन हमारे पास पहले ही है, टैंक 4 का हमारे पास बैकपैक भी है, सही है, यहाँ की ऑलमोस्ट चीज़ें सारी हो गई हैं हमारी, अब सिर्फ हमें ये वाली 3 चीज़ों पे फोकस करना है, सुपर अलॉय, ये वाला रॉड और ये वाला रॉड। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज़ जो अपन करने वाले हैं, अपन एक ये लगा के देखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से हम अब देखो वो निकालते हैं, हमें ये चाहिए, ठीक है दोनों ये चाहिए, एक सुपर अलॉय चाहिए और सुपर अलॉय के साथ एक आइटम और क्या चाहिए था भाई,
दो ड्रिल्स बनाने के लिए एक टाइटेनियम, टाइटेनियम दो मांगता है, टाइटेनियम एक ही है हमारे पास, बाहर से ढूंढना पड़ेगा, अपन को ऐसे ही मिल गया। यहाँ पे हमने टाइटेनियम उठाया, ये टाइटेनियम उठाया और एक टाइटेनियम और पड़ा है साइड में, इसको भी उठा लेते हैं। हाँ भाई, एक बार मैं अपनी वो देखना चाहता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी एक्स्ट्रा है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ आए, हमने देखा हमारे पास 92 की इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो कि बढ़िया है। हम यहाँ आए, आने के साथ हमने, अब देखो भाई, अब हमने ये लगाने शुरू किए हैं, एक ऐसे लगाया और दूसरा हमने ऐसे करके यहाँ लगाया। एक कितना पावर लेता है, एक पावर दिखा नहीं रहा मेरे को कितना ले रहा है, पावर हेल्लो पावर नो पावर पावर कंजम्पशन दिखा नहीं रहा। एक बार वापस से चल के देखते हैं, 92 थी पहले, अब कितनी हो गए भाई, अब हो गए 24। कोई नहीं, हमारे पास अब भाई आयरन की दिक्कत नहीं होने वाली, अपने पास इतना सारा आयरन आ जाएगा और इतना सारा यहाँ पे भी आयरन आ जाएगा। सही है, अगर हम एक चीज और करते हैं, इसको यहाँ से डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं एक काम ये करके देखना चाहता हूँ कि ऐसा होता है या नहीं होता। वैसे तो मुझे लेवल 2 का वो करना पड़ेगा अगर मेरे को प्योर आइटम निकालना है। अपन देखो यहाँ आ सकते हैं इस जगह पे, चल भाई चल जल्दी जल्दी चलो अपन इस जगह आए, यहाँ पे एल्यूमिनियम मिल सकता है हमें, और एल्यूमिनियम के साथ हमने क्या किया, हमने एक ये जो आयरन की ये जो ड्रिलर लेके, ये भाई हमला हो गया हम पे हमला हो रहा है, इससे पहले हम ये लगा देते हैं। हमने ये लगाया और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम आ गया। अब ये होगा भाई, इतना हमला हो रहा है, मैं अंदर आके बताता हूँ क्योंकि शोर ज़्यादा करते हैं। जब तक ये मशीन काम करेगी इसमें एल्यूमिनियम छोटे छोटे पीस निकल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही एल्यूमिनियम निकले, बट हाँ एल्यूमिनियम निकलेगा, एल्यूमिनियम के साथ कोई भी और भी प्रोडक्ट भी निकल सकता है, जो कि ठीक है, अपने को स्टार्टिंग के लिए थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम भी मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। ए भाई एक बार चेक करते हैं, सुपर अलॉय ऊपर अलॉय तो नहीं है भाई, अगर सुपर अलॉय है तो बहुत मज़ा सा ही आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लग नहीं रहा। मेरे सर पे मत खोल देना भाई, मेरे सर्वर मत खोल देना, जल्दी से ये उठा लो। तीन चीज़ें दी है इसने, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और नॉर्मल आइटम्स। ये आयरन उठाने के साथ ये वाला कोबाल्ट उठाओ, एक बार चेक करें इसमें क्या क्या बना अपना। इसमें अभी तक कुछ नहीं बना, काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा भाई चीज़ें, इसको काम करने देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं और अपन वापस अपने बेस की तरफ चलते हैं। ए भाई यार वो दे दो यार, सुपर अलॉय दे दो यार, सुपर अलॉय की जरा एक बार बारिश सी कर दो। सुपर अलॉय की बारिश के साथ साथ एक गोल्डन चेस्ट यहाँ होता है, शायद मैं उसको उठा चुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं उसको उठा चुका हूँ। इधर आने के साथ आई से करके हम साइंस जो हैं वो पीछे बीच करके ऐसे करके लगा सकते हैं भाई, और फिर इन साइंस पर अमन लिख सकते हैं भाई, होम। बहुत सही भाई, बहुत सही। सो गाइस, इसी के साथ मैं आपसे लेता है अलविदा भाई, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी बनाऊंगा इसका और बहुत जल्दी जल्दी हम इसमें प्रोग्रेस करेंगे। हमारी कोशिश यही है जितनी जल्दी हो सके टेलीपोर्टर जो है वो खुल सके भाई, और हम टेलीपोर्ट करके एक नई जगह जा सके, वहाँ मेगा बेस या छोटा सा, मेगा बेस तो नहीं लेकिन इस बार मीडियम साइज का बेस, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल बेस बनाना चाहूंगा। सो गाइस, आपको पता है अब क्या करना है भाई, लाइक कर दो, कमेंट किया करो, कमेंट करके मेरे को बताया करो कि आपको ये सीरीज चाहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं लगता कि किन किन लोगों को ये सीरीज चाहिए और किन को नहीं चाहिए भाई। और जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे भाई, उतनी ज़्यादा आप इस गेम को हेल्प करोगे मेरी लिस्ट में ऊपर आने की, लोगों के पास डिस्कवर होने की, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा मैं वो गेम खेलूंगा भाई। तो गाइज, मेरा नाम है बाबा, मैं खेलता है वीडियो गेम्स, बाय बाय, लव यू ऑल।